जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर बनने के लिए आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होना चाहिए जिसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत से लोगों का डाउट है कि जीडी के लिए कितना मार्क्स होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में आपको मार्क्स भी बताएंगे कितना होना चाहिए और साथ में फिजिकल के लिए कितने नंबर का होता है, और साथ में ये भी बता देंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, कितने नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो दसवीं होनी चाहिए, यानी कि आप दसवीं क्वालिफाई है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यदि आपका हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और संस्कृत में ये माने नहीं रखा है कि इतना नंबर पासिंग होना अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% लाना अनिवार्य है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, यदि आपका मार्क्स 33% आ जा रहे हैं टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, इन सबको मिलाकर 33% है, तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो दसवीं का होता है वो 600 नंबर का होता है, तो 600 का यदि 33% निकालेंगे तो होगा 198 नंबर। यदि आपका दसवीं में 198 नंबर है तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यह मत देखिएगा कि मेरा हिंदी में 20 नंबर है तो इंग्लिश में 30 नंबर है तो सोशल साइंस में 25 है। यदि किसी सब्जेक्ट में 80 नंबर आ गया, जैसे संस्कृत में 80 नंबर आ गया, तो सबको मेकअप कर दिया। यदि कि आपका जो परसेंटेज है वो 33% होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट से कोई माने इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन अभी इसमें क्लर्क में और टेक्निकल में ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें मांगा है कि इसमें प्रत्येक जो है सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर तो समझ में आ गया 33% होना अनिवार्य है। साथ में ये भी बात करते हैं इसके हाइट के, तो इसकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट मापी जाती है 169 सेंटीमीटर जो है हाइट जो है मापी जाती है। लेकिन यहां पर पॉइंट को समझिएगा, किस किस के लिए 169 सेंटीमीटर मापा जाता है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब में रहेंगे तो 169 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट मापा जाएगा। जबकि आप हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ का जो हाइट मापा जाता है 170 सेंटीमीटर मापा जाता है। अब यह मत देखिएगा कि मेरा जो फिजिकल होगा तो वहाँ पर होगा, वहाँ पर फिजिकल नहीं होगा, आपके स्टेट में ही आपका फिजिकल होता है। एक जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक दो डिस्ट्रिक्ट के बाद वहाँ पर आपका फिजिकल होता है, ये नहीं कि आप यूपी के हैं तो आपका जो फिजिकल है वह उत्तराखंड हो रहा है तो दिल्ली हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, यूपी में होगा आपका फिजिकल। लेकिन हाइट कितना मापा जाता है, 169 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट मापा जाएगा। यहाँ पर पॉइंटली समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको हाइट में छूट नहीं दी जाती, यानी कि तीनों सेनाओं के अंदर हाइट में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है, चाहे वह स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का है। इसमें यह नहीं कि यह स्टूडेंट एसटी है तो इसकी हाइट जो है कम मापी जाएगी, ऐसी नहीं है। तो जीडी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि हाइट कितनी मापी जाएगी, 169 सेंटीमीटर। अब सिलेबस के बारे में बात कर ले रहे हैं तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है, जीके है, साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो जीके का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हो जा रहा है आपका 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपका रहेगा। लेकिन इसके लिए टाइम क्या है, तो इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, यानी कि 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। पासिंग के लिए 33% होना अनिवार्य है, लेकिन मेरिट कितने पर बनाया जाएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, यह नहीं कि 33% ला दिए तो आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। इसका पासिंग मार्क जो है 33% है, लेकिन कितने पर मेरिट बनेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया, आपको टाइम ही बता दिया कि 1 घंटे का समय रहेगा। रनिंग की बात करते हैं तो देखिए रनिंग जो है आपकी 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होती है। जो आपका समय है वह निर्धारित है, लेकिन समय निर्धारित है समझिए इसमें 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट आएंगे तो कितने नंबर मिलेगा, और सेकेंड ग्रुप में कितने स्टूडेंट आएंगे तो कितने नंबर मिलेगा। स्टूडेंट का माने नहीं है,
उसके हिसाब से वहाँ पर जो पकड़ते हैं 20 पकड़ लिए 25 पकड़ लिए लड़कों को, उनके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 5 ही पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ग्रुप वन में आने के लिए आपको 5:30 पर रनिंग कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 5:30 के अंदर यदि आप जो रनिंग कंप्लीट करके रस्सी के पार चले जा रहे हैं तो आपका जो मार्क्स है वह जो है 60 में 60 मिलेगा, यानी कि जो फिजिकल है 100 नंबर का होता है, अभी बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जो रनिंग के फिजिकल होता है वह 60 नंबर का होता है, यदि 5:30 के अंदर यानी 5:30 के अंदर जो है आपका रनिंग कंप्लीट हो जा रही है तो आपका जो है मार्क्स है यहाँ पर फिजिकल मार्क्स वह 60 में 60 मिल जाएगा। लेकिन वहीं यदि 5:31 और 5:45 के बीच आ रहे हैं, यानी कि 5:31 से लेकर 5:45 के बीच में आएंगे तो यह ग्रुप टू कहलाएगा, तो इसमें जो आपका मार्क्स मिलेगा वह 48 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड का ही अंतर है लेकिन मार्क्स कितने का अंतर आ रहे हैं, तो 12 नंबर का अंतर आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट जो फिजिकल होता है उसके बारे में। मेजरमेंट जो फिजिकल होता है जिसे बीम खींचते हैं, जैसे आप इमेज में देख ले रहे हैं, इसके हिसाब से भी आपका नंबर मिलता है। यह जो मेजरमेंट फिजिकल होता है वह 40 नंबर का होता है। तो देखिए कितने बीम्स पर कितने नंबर मिलते हैं, यदि आप 10 बीम को खींच ले रहे हैं यानी कि 10 बीम कंप्लीट कर दे रहे हैं तो आपको 40 में 40 मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करते हैं 9 बीम खींचते हैं तो आपको 33 मिलेगा, 8 खींचते हैं तो 27 और 7 खींचते हैं तो 21 और 6 खींचते हैं तो 16 और 5 खींचते हैं तो फेल, ठीक है। यदि 5 ही खींचने के बाद यदि आपका 6वीं कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं बीम तो आप वहाँ पर फेल कर दिए जाएंगे मेजरमेंट फिजिकल के लिए, यानी आप बाहर कर दिए जाएंगे, इतना समझ लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए यदि कोई स्टूडेंट 5:45 के बाद रनिंग कंप्लीट करता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यह GD के बारे में था, फिर अगला वीडियो हम टेक्निकल का बनाएंगे, फिर क्लर्क का बनाएंगे, फिर ट्रेड्समैन का बनाएंगे, उसके बाद नर्सिंग होम का बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग हम एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।